hello students good morning to all of you students in our today's session we are going to start lesson number 25 from your english grammar in which we will learn how to make interrogative sentences in one of our previous session we had learned about the negative sentences how to frame them and today we will learn how to make the interrogative ones okay so let's get started द सिंपल प्रेजेंटेंस हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंटेंस में जब आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंटेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल द सन राइज अन द एस्ट द काउ इट्स ग्रास सो सी हेयर आर सब्जेक्ट इज सन एंड इन सेकेंड द सब्जेक्ट इज काउ एंड देन द प्रेजेंटेंस वर्ब मीन्स फर्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज हेयर In order to change an assertive sentence into simple present into as interrogative sentence, we use do or does at the first word followed by the subject verb and the object. So see, interrogative means when you ask questions. Jab aap questions push the hand then we make the interrogative sentences. Right? And to make interrogative sentences, we also need द हेल्पिंग वर्ब्स इधर वी यूज डब्ल्यू एच फैमिली टू आस्क द क्वेश्चन और वी नीड हेल्पिंग वर्ब्स टू मेक द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए या तो आप डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ करेंगे या फिर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं एक्जॉलरीज जो होती हैं डू डज डिड हैज हैव हैड इज एम आर वॉज वर एंड कैन कूड मीन्स ऑल द मोडल्स सो इनको हम यूज़ करते हैं सेंटेंस बनाने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूजली वियर डू वी यूज द हेल्पिंग वर्बस वी यूज दैम आफ्टर द सब्जेक्ट बट वैन यू आर मेकिंग द इंटेरोगेटिव सेंटेंसिज वी टेक द हेल्पिंग वर्बस इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस राइट डिफरेंट हेल्पिंग वर्बस आर यूज इन डिफरेंट सेंटेंसिस इट डिपेंडस ऑन द टाइम ऑफ द एक्शन ओके नोट देट वी यूज डू विद आई यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट डज इज़ यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही शी इट तो डू जो है डू और डज अगर हम प्रेजेंट टेंस में कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं तो हम डू और डज का यूज़ करेंगे डज फॉर द सिंगुलर एंड डू फॉर द प्लुरल्स फॉर्म डू डज दमेशन क्या हो गई सी डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंटेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब एस अ टोल्ड यू मैंने आपको बताया है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं यूजली वो कहाँ होती है सब्जेक्ट के बाद में बट जब आप इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी बिगनिंग में आप उसे यूज करेंगे सी द काउ इट्स ग्रास सो when we have to make it interrogative so here we are not we don't have any helping verb in the simple sentence but in negative sentence we use the helping verb does do and does so when we are making the interrogative of the same the so cow cow is our singular and for the singular ones we are using the helping verb does so does then our subject then our verb and then object so the cow eats grass cow ghas khati hai does the cow eat grass kya cow ghas khati hai Alice sings a song. Does Alice sing a song? She gets up early in the morning. Does she get up early in the morning? I work hard. Do I work hard? She speaks English well. Does she speak English well? So, you can see in all the sentences that we have taken the helping verbs to make the interrogative sentences according to the subject of the sentence. Okay. Now, note that if the interrogative sentences is in negative, we begin it with doesn't or do not. सो इन सिंपल प्रेजेंटेंस इफ देंटेंसेज आर बिगनिंग विद नेगेटिव वन अगर आपके सेंटेंसेज जो निगेटिव हैं इनमें सिंपल प्रेजेंटेंस में तो आप सेंटेंसिस को शुरू करेंगे डू नॉट या फिर डॉट से सो डोंट यू वॉन्ट टू कम विद डी अंडरस्टेंड वट ही मीन्स ओके नेक्स्ट इज द क्यूशन वर्ड हुम हुई वेयर विच हाउ सम प्रसिड डू एंड डज इन ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो कि डू और डज के साथ में भी यूज होती हैं लाइक होम डू यू वॉन्ट टू मीट तुम किससे मिलना चाहते हो वाई डू यू वॉन्ट टू गो टू सीबेरिया वेयर डज ही लिव हाउ डू यू नो हिम वर्ड डज नॉट लव हु डज नॉट लव हिज कंट्री सो वैन द एफरमेटिव सेंटेंसेज कंटेंस द प्राइमरी एग्जॉलरीज इज एम आर हैज़ हैव द इंडेरोगेटिव सेंटेंस विल बिगिन विद दीज वर्ड्स जब आपके एफरमेटिव सिम्पल सेंटेंसिस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज एम आर वॉज हैज हैव हैड तो आप इंडेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इनको बिगनिंग में यूज करते हैं शी इज़ अ डॉक्टर सी सी दिस एग्जाम्पल शी इज अ डॉक्टर इज शी अ डॉक्टर सो वी हैव टेकन द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगनिंग एंड देन आर सब्जेक्ट एंड देन

फ्रेम किए जाएंगे कैसे उनको आप बिगनिंग में यूज करेंगे शी कैन गो कैन शी गो दे विल कम सो विल विल बी इन द बिगनिंग विल को हम आगे ले आएंगे विल दे कम यू मे टेक दिस बुक मे आई टेक दिस बुक आई कैन लिफ्ट द लोड कैन यू लिफ्ट दिस लोड वी मस्ट गो देयर मस्ट वी गो देयर सो

Now the next is question tags. Question tags are the short questions that we put at the end of the sentences, particularly in spoken English. The question tags क्या होते हैं? Short questions होते हैं जो कि हम sentence के end में use करते हैं, particularly spoken English में इसका use ज्यादा होता है। मतलब बोलते हुए इसका use ज्यादा होता है। Positive and negative. If the main part of the sentence is positive, the question will be the question tag is negative. अगर question अगर आपकी uh, statement का आपके सेंटेंस का जो मेन पार्ट है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन क्या होगा नेगेटिव और अगर वो नेगेटिव है तो वो क्या होगा पॉजिटिव इट विल बी इट विल बी एडवर्स ओके लाइक ही इज़ अ डॉक्टर वो एक डॉक्टर है इजेंट ही क्या वो नहीं है एक डॉक्टर यू वर्क इन अ बैंक तुम एक बैंक में काम करते हो डोंट यू क्या तुम बैंक में काम नहीं करते हो सो इट वुड बी डोंट यू मीन्स इट वुड बी इन टू नेगेटिव फॉर्म और वेन द सेंटेंस विल बी इन नेगेटिव फॉर्म देन The question tag will be positive. Like you have not met him. Have you? She is not coming. Is She She is not coming. Hai. Is she? Kya wo? Hai. With the auxiliary verbs. The question tags uses the same verb as the main part of the sentence. This verb is an auxiliary. one, have be. Then the question tag is the with the auxiliary verbs. They have gone away for a few days back. Have not they? They were not here, were they?

दे वर नॉट था तो वर दे आ गया ही हैड आ गया तो हैड नॉट ही आ गया ठीक है ये पॉजिटिव था तो इसलिए नेगेटिव बनाया गया दिस इज नॉट वर्किंग इज इट ओके नाउ द नेक्स्ट इज विदाउट एक्जरी वर्ब्स इफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस डज नॉट हैव एन है वर्ब अगर सेंटेंस के अंदर एग्जोलरी वर्ब नहीं है द क्वेश्चन टैग यूजेज एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ डू तो उस केस में हम डू की फॉर्म का यूज करते हैं आई सेट दैट डिड आई तो यहां पे सेकेंड फॉर्म है मीन्स दिस सेंटेंस इज गिवन इन सिंपल पास टेंस सो वी विल यूज डिड हेयर यू रिकोगनाइज दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस सो वी विल यूज हेयर डू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इफ द सब्जेक्ट विल बी सिंगुलर देन वी कैन यूज हेयर वी विल यूज हेयर डज शी ईट्स मीट

द क्वेश्चन टैग फॉर आई एम इज़ आर नॉट आई तो आई एम के साथ जो भी आपके क्वेश्चन टैग्स होंगे तो उसमें आप आई एम के लिए एम आई या एम नॉट आई नहीं लिखेंगे आर नाट आई लिखेंगे ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटारोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन टैग नाउ ट्राई टू सोल्व द बुक वर्क ऑफ दिस चैप्टर ओके थैंक यू